फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के जितने भी डार्क स्पॉट्स होंगे, जितने भी आपकी हल्की फुल्की झुर्रियाँ वगैरह होंगी या फिर फाइन लाइंस होंगी, वो रिमूव हो जाएंगी इस पैक से। और इससे आपकी स्किन पर ग्लो प्रोवाइड होगा और अगर आपको थोड़ी बहुत टैनिंग वगैरह है तो वो भी रिमूव हो जाएगी। सन टैनिंग हो जाती है तो वो भी रिमूव हो जाएगी फ्रेंड्स। और ये पैक आप रोज़ भी लगा सकते हो, रोज़ अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप कुछ दिन बाद अप्लाई कर सकते हो, एक दिन छोड़कर भी अप्लाई कर सकते हो या फिर आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, इसको आप वीकली यूज़ कर सकते हो। मतलब आपकी चॉइस है, आप जो जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हो आप इस पैक को। और ये पैक बहुत ही अच्छा है और आप चाहें इसको यूज़ करना तो बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको। और बहुत ही अच्छा है ये पैक और इस पैक को लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो आप इसको आराम से बना सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन भी जरूर हिट करिएगा। और जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप उसको भी चेकआउट कर पाएंगे न्यू वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, तभी आप जाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो भी मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हुए हैं, जो भी चीज़ें इसमें यूज़ की हैं, तो आपको अपने घर पर ही मिल जाएंगी। अगर आपकी स्किन थोड़ी भी सेंसिटिव है तो मैंने जो इसमें टमाटो यूज़ किया है, इसमें लेमन यूज़ किया है, तो आप यूज़ मत कीजिए। आप इसको सिंपल वे में बना सकते हो, आप नॉर्मल वाटर के साथ या फिर आप कर्ड के साथ बना लीजिए। तो ये पैक बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा आपको और आपकी स्किन पर ग्लो प्रोवाइड करेगा और आपकी स्किन से जो फाइन लाइन वगैरह होंगी वो भी दूर हो जाएंगी और आपकी स्किन पर एकदम अच्छा से ग्लो प्रोवाइड होगा। तो ये आप रोज लगाइए ना तो आपको पता चलेगा। मैं हर स्किन सूटेबल के लिए बता रही हूँ, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है उसके लिए तो ये सब चीज़ें नहीं डालनी हैं आपको। मतलब टमाटो नहीं डालना है, सिट्रिक वाली चीज़ें आपको नहीं डालनी है क्योंकि सेंसिटिव स्किन को इरिटेशन हो सकता है इन सारी चीज़ों से। तो आप पैच टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप ये अप्लाई कर सकते हो आप ये पैक। तो चलिए फटाफट से आपको ये वीडियो देख लीजिए, मतलब प्रोसेस देख लीजिए कि मैंने इसमें क्या क्या डाला हुआ है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। इस पैक के लिए मुझे चाहिए थोड़ी सी मसूर की दाल ले रही हूँ मैं, ये मैंने मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिया था वो ही ले रही हूँ मैं। अच्छे से उसको पीस लीजिए, ये मेरे खुरदुरा सा है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा दिख रहा है लेकिन चल जाएगा मुझे। तो इस पैक के लिए ये मैं अपने जो टैनिंग हो रखी होती है, थोड़ी डार्कनेस हो गई है फेस पर, उसके लिए मैं ये पैक बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने मसूर की दाल ली है और ले रही हूँ मैं मुल्तानी मिट्टी पाउडर। ये है मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मैं डाल रही हूँ इसमें लेमन जूस, और लेमन जूस से आपकी जो स्किन में डार्कनेस होगी वो निकल जाएगी और इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। ये 1 स्पून ही डालूँगी मैं, हाफ लेमन का 1 स्पून हो रहा है ये देखिए, तो मैं इतना ही ले रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। आप इसको छानना चाहें तो छान लीजिए, लेकिन ठीक है मैं नहीं छान रही हूँ। और मैं टमाटर भी ले रही हूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप जो मैंने लेमन जूस डाला है वो स्किप भी कर सकते हैं आप, लेकिन टमाटो जूस आप ले सकते हो, कम लीजिए, थोड़ा कम ले लीजिए टमाटो जूस। तो मैं ये ले रही हूँ, के बाद अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए सब चीज़ों को। और मैं थोड़ा सा रॉ मिल्क ले रही हूँ और इस पेस्ट को आप अच्छे से थोड़ी देर मिक्स करके और 5 मिनट्स के लिए रख दीजिए, फिर इसको आप अप्लाई कीजिए अपने फेस पर। और फ्रेंड्स, मैं लूँगी अब टर्मरिक पाउडर, ये मेरे बाइल टर्मरिक पाउडर है, तो मैं ये ले लूँगी, ज़्यादा हो रहा है ये, तो मैं वापस इसमें डाल दे रही हूँ, बस इतना ही लूँगी मैं। और अगर आपके पास टमाटो जूस है या फिर लेमन जूस है तो आप वो भी डाल लीजिए,
मैं डालती हूँ अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी फेस पर अपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, ऐसे ही दिख रहा है। सिर्फ मैंने अभी फेस वॉश किया है और मैंने ये अपने लिप्स पर सिर्फ लिप बाम लगाई हूँ। और मैं अब ऐड कर लूँगी अपने फेस को थोड़ा सा रोज़ वाटर के साथ। और ये पैक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम करता है आपके फेस पर। ये आप मेरे फेस पर शाइनिंग देख रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि मैं इस तरह के पैक्स वगैरह लगाती रहती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप लोग इस पैक को ज़रूर लगाइए, और लगाना कैसे है ये आपको पता ही होता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे बाल थोड़े से उड़ रहे हैं क्योंकि फ़ैन यहाँ पर चल रहा है, और मैं उंगलियों से ही लगा लेती हूँ अपने फेस पर इस पैक को। कोई भी पैक है मैं सिर्फ अपनी फिंगर से ही लगा लेती हूँ। 10-15 मिनट्स के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। आप जो भी मैं पैक बताती हूँ आप इसको रोज़ भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको इसमें आप लेमन यूज़ नहीं करें, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप दोनों ही चीज़ें डाल सकते हो, लेमन जूस भी डाल सकते हैं और टमाटो जूस भी डाल सकते हैं। ये टैनिंग को दूर करता है, आपकी जो स्किन में जितने भी डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं वो दूर करता है, आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, आपकी स्किन को टाइटन अप बनाता है, आपकी स्किन एकदम डिहाइड्रेट हो जाती है, हाइड्रेट हो जाएगी आपकी स्किन। इसलिए ये पैक बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें मैंने मिल्क भी यूज़ किया है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें कर्ड डाल लीजिए। मेरी स्किन ड्राई टू नॉर्मल टू ड्राई है, इसलिए मैं इसमें रॉ मिल्क डाली हूँ, और मैं इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा फेस पैक ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, और अब मैं वॉश करने जा रही हूँ इसको, फिर मैं दिखाती हूँ आपको वॉश करने के बाद कि ये पैक कैसा लगा, मतलब अच्छा है या नहीं। वैसे मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हो। और मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग, मैंने अपना फेस को वॉश कर लिया है और मेरा फेस एकदम क्लीन है। तो आप देख सकते हो मेरी स्किन एकदम टाइट तो रहती ही है, और मेरे स्किन पर हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, और जितना भी मेरी हल्की फुल्की टैनिंग वगैरह थी और डार्कनेस वगैरह थी वो भी रिमूव हो जाती है। तो आप इस पैक को रोज़ भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप टॉयज ऑफ वीक में भी अप्लाई कर सकते हो, टॉयज ऑफ डे में तो अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो आप इसको डेली यूज़ कर लीजिए, डेली यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको आपकी स्किन के। अगर थोड़े बहुत भी अगर आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं, निशान है, या फिर आपकी रिंकल आ गए हैं, तो उनको ये रिमूव भी कर देगा और आपकी स्किन एकदम टाइटन अप बन जाएगी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और मैं मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने इसको कैसे बनाया है और कैसे यूज़ किया है। तो यूज़ करना तो बहुत ही सिंपल है, मैं हर वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ कोई भी पैक वगैरह, तो आपको इस पता चल ही जाता है कि मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। तो जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का, तो आप लोग उसको भी चेकअप कर सकते हो, और आप उसको भी इंजॉय करिए, और उसको भी वो भी आपको हेल्पफुल लगे तो आप उसको यूज़ करिए फ्रेंड्स। तो मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं आपको इसी तरह से यूज़ करना है, और मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आप और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और आपको मेरा पर्पल हॉल वगैरह कैसे लगे, मतलब हाँ उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने लिंक वगैरह आपको पर्पल हॉल का नहीं दे पाई थी उसमें, और मैं बताना ही भूल गई, मतलब देना ही भूल गई मैं, तो इसके लिए मैं सॉरी कह रही हूँ। और जैसे कोई बात नहीं अगर मैंने नहीं दिया है, लेकिन मैं जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगी ना तो मैं आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग आराम से उसको लिंक ले सकते हो purple.com से, चेकआउट कर पाएंगे आप, ले पाएंगे, मैं उसमें अच्छे से मेंशन कर दूँगी, और जब डिस्काउंट में होगा तभी मैं आपको इस तरह की चीज़ें सजेस्ट करूंगी कि आप उनको ले पाएँ और आपको पूरा फ़ायदा उठा पाएँ उन चीज़ों का, प्रोडक्ट का।
और आप इन्जॉय भी कर पाएँ, मतलब देख भी पाएँ और आप यूज़ भी कर पाएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कॉस्टली चीज़ें हर कोई ले पाए, अफोर्ड कर पाए। इस वजह से मैं हर तरह की सिचुएशन को, मतलब हर तरह के लोगों को अपने सोच के हिसाब से उसको समझ कर आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है और भूल गई थी, इस वजह से भी इसके लिए सॉरी बोल रही हूँ फिर से। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और मैं आप लोगों को जैसे ही मैं कोई अपनी प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ तो मैं वो वाले लिंक मैं दे ही देती हूँ। कभी कभार मैं भूल भी जाती हूँ, क्योंकि मैं कभी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ तो भूल जाती हूँ, बट लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं दे पाऊँ। और अगर मैं नहीं देती हूँ ना, तो आप purple.com पर जाकर आप देख लिया करिए, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। मतलब जो भी चीज़ों का प्रोडक्ट का लिंक आपको नहीं मिलता है ना मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर जाकर purple.com पर, तो जो प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने किया होगा ना, उसको आप सर्च कर सकते हैं, तो सर्च करने में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको चेकआउट कर पाएंगे। और अगर आपको डिस्काउंट मिले तो आप उसको छोड़िएगा भी नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा होता है डिस्काउंट में कोई भी चीज़ों को लेना, और अच्छे रहते हैं सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें को डिस्काउंट के साथ ही ले लेंगे तो। और फ्रेंड्स, और भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, जैसे जल्दी नहीं हो पा रहा है उससे कुछ, मतलब टाइम लग जाता है, लेकिन अभी देखती हूँ कि किस तरह के वीडियोज़ मुझे लाने हैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरे वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए। मतलब आप लोग जब सपोर्ट करेंगे, आप मोटिवेशन मुझे प्रोवाइड करेंगे और मेरे वीडियोस देखेंगे आप, तो मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोग साथ मुझे रहना और आप लोगों के साथ, मतलब अपनी चीज़ों को शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही अच्छा लगता था मुझे कोई भी चीज़ों की, मतलब हर बारे में बताना आपको कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, तो आप उसको ले सकते हैं। वन बाय वन मेरे फेस पर भी इम्प्रूव देख रहे हैं आप, कि कैसा मतलब ग्लो प्रोवाइड होता जा रहा है। तो ये ऐसे ही कुछ भी मैंने ऐसे कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सिंपल वे में तैयार होती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं इलेक्ट्रिकल माइंड लोशन ही लगाती हूँ, सिर्फ उसके बाद ही मैं पॉपिक लगाकर अपनी आईब्रो भी करती हूँ, बस दैट्स इट। और जो वो आई शेडो वगैरह होता है बस वो अप्लाई कर लेती हूँ, और आईलाइनर बहुत कम लगाती हूँ मैं, मैंने बता रखा है आप लोगों को। लेकिन हाँ, मेरे वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग्स में मैंने आईलाइनर लगाया है। तो ऐसे मतलब रोज़ वीडियो बनाने में आईलाइनर थोड़ा सा मैं अवॉइड कर देती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ रोज़ रोज़ क्या लगाना, बट मैं लगाना चाहती थी ब्लू वाला, लेकिन लगाऊंगी मैं बाद में, देखती हूँ लगाकर। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगता है आप लोगों को मेरे वीडियोस, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, और जैसे हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।